नमस्कार, आप सभी साहित्य प्रेमियों का इस कथा पटल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ लोकप्रियता के शिखर को छूने वाली हिंदी की प्रख्यात लेखिका शिवानी की कहानी, जिसका शीर्षक है चिर स्वयंवरा। स्त्री जीवन के अनेक अनकहे पहलुओं पर लेखनी चलाने वाली शिवानी की नायिकाएं भी अमर है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी शिक्षिका की है जो अपने यौवन काल में बेहद अनुशासन प्रिय, सख्त और अविवाहित रही। घर परिवार, गृहस्थी, प्रेम, पति, बच्चे आदि से कोसों दूर, और उम्र की ढलान पर उन्हें एक नव युवक से प्रेम होता है। विवाह तय होता है और वे अपनी प्रिय छात्रा को निमंत्रण देती हैं। छात्रा आश्चर्य में डूबी, परंतु जिज्ञासावश वह वहां जाती भी है। तो क्या छात्रा अपनी इस प्रौढ़ शिक्षिका का विवाह देख पाती है? क्या यह विवाह समय पर होता है? क्या होता है, आइए सुने ये कहानी उसी छात्रा की जुबानी। पत्र पढ़ते ही मुझे चक्कर सा आ गया है। हे भगवान, क्या समय से कुछ पूर्व ही सठिया गई हैं रजनी दी? मैंने एक बार फिर पत्र को अविश्वास से पढ़ा। नहीं, पत्र में परिहास का लवलेश भी नहीं था। फिर मैं क्या उन्हें नहीं जानती थी, जिनके रूखे अधरों पर हंसी तो दूर, जीवन भर एक सेंटीमीटर की मुस्कान भी कभी नहीं खेली। वे क्या अपनी किसी पूर्व छात्रा से ऐसा मजाक कर सकती थी? फिर मैं तो उनकी छात्रा ही नहीं, दूर के रिश्ते की मौसेरी बहन भी तो थी। इसी से उन्होंने लिखा था, आत्मीय स्वजनों में एक तुम ही हो जिसे मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ की साक्षी बनने बुला सकती हूँ। इसी 15 को मेरा विवाह है। उसी दिन संध्या की मेल से हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है। ओह, तो हनीमून की योजना भी बना चुकी है रजनी दी। पर कहाँ जाएंगी? जिस वानप्रस्थी अवस्था में अपना विवाह रचा रही थी, उसमें तो उन्हें अपना हनीमून बद्रीनाथ जाकर मनाना ही शोभा देगा। जीवन में पहली बार ऐसे विचित्र विवाह का निमंत्रण मिला था। इसी से समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं या नहीं। रजनी दी से मेरे रक्त मांस का रिश्ता दूर का होने पर भी हृदय का रिश्ता अत्यंत निकट का था। उनकी सौम्यता, शांत स्वभाव, समय से कुछ पूर्व ही पक गए सफेद बालों की गरिमा, रुचि से पहनी गई साड़ी और उनका पांडित्य मुझे बचपन से ही प्रभावित करता आया था। मेरे कैशोर्य और यौवनावस्था की शायद ही कोई ऐसी समस्या रही होगी जिसका उन्होंने अपनी स्निग्ध सुलझी हंसी मात्र से ही समाधान न कर दिया हो। किंतु आज वही अनुकरणीय व्यक्तित्व स्वयं मेरे सम्मुख एक दुरूह पहेली बनकर खड़ा था। ऐसा तुमने क्यों किया रजनी दी? लोग क्या कहेंगे? दूर दूर तक वट वृक्ष की जड़ों सी फैली तुम्हारी छात्र मंडली, जिसकी दृष्टि में तुम्हारा अक्षत कौमारे ही तुम्हारे सफेद बालों पर धरा जगमगाता बहुमूल्य राज मुकुट था। क्या कहेगी यह सुनकर? न जाने कितने ही अनकहे उपालंभों की तरंगे मेरे अशांत चित्त की कगार पर टकरा टकरा कर मुझे विचलित कर उठी। रजनी दी ने मुझे निमंत्रण ही नहीं भेजा, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री की एक पूरी लिस्ट भी नत्थी कर दी थी। यह सब सामान तुम्हें अमीनाबाद में मिल जाएगा। वही लाटुश रोड वाली सड़क पर जरीदार जयपुरी नागरा की एक छोटी सी दुकान है। बेहद प्यारी कामदार जूतियां उसके शोकेस में सजी रहती है, उन्हीं में से छांटकर एक जोड़ी लेती आना। मैंने लिस्ट देखी, जुआ आलता की शीशी, मांग में भरने का कलकतिया ईगुर, काली सुनहली कामदार सुहाग की चूड़ियां, लाल नागरा, अबीरी रंग की बनारसी क्रेप सिल्क की साड़ी। मेरे हाथ की लिस्ट सहसा मेरे कल्पना लोक में फड़फड़ा कर पतंग सी उड़ती दर्पण के सम्मुख बैठी रजनी दी को सजाने लगी। सफेद बालों के ऊंचे जूड़े पर प्रयत्न से टिकाया गया अबीरी बनारसी आंचल, गठिया से टेढ़ी पड़ गई उंगलियों पर जवा आलता की नाखूनी धारी,
लाल नागरा और सन से सफेद बालों के बीच मांग पर बिखरी कलकतिया इंगूर की गाढ़ी रेखा, बर्फ से ढकी त्रिशूल की चोटी पर जैसे लाल लाल बुरुंश बिखरे हों, व्यंग से स्वयं ही मेरे होठ टेढ़े हो गए। जब मेरा विवाह हुआ तभी 28 वर्ष की रजनी दी 40 की लगने लगी थी। प्राध्यापिका के शुष्क जीवन ने उन्हीं दिनों कपोलों की लालिमा को झाड़ू लेकर बुहारना आरंभ कर दिया था। पर फिर भी सुर्ख गालों की ललछोही आभा सामान्य ही मलिन हो पाई थी। एकदम सॉफ्ट सिल्क की सी चिकनी त्वचा थी उनकी, इसी से लगता था गहरे लाल टूली रेशम को किसी फूहड़ गृहिणी ने धो पटक कर फीका बना दिया। किंतु इधर जब उन्हें देखा तो मन खिन्न सा हो गया। अब तो वह सिल्क फीका ही नहीं पड़ा, बहुत दिनों से उपेक्षित किसी पुराने बक्से में पड़े रेशम की सी सिलवटें भी पड़ गई थी उनमें। बिना इस्त्री किए रेशम से उस झुर्रियों भरे रेशमी चेहरे को देखकर मैं मूर्खा की भांति फक से कह भी बैठी, हाय रजनीदी, आप तो एकदम ही बुढ़ा गई। अब क्या मेरे रस्सी कूदने के दिन हरी, अगले साल पूरे 50 की हो जाऊंगी, उन्होंने हंसकर कहा तो मैं ही खिसिया गई। कैसी मूर्ख थी मैं, स्त्री होकर भी आज तक इतनी सी बात नहीं हृदयंगम कर सकी। संसार की कौन सी स्त्री भला अपने बुढ़ापे का समाचार सुनकर प्रसन्न होती है। किंतु दोष मेरा भी उतना नहीं था, इधर 25 वर्षों में काल चक्र ने आवश्यकता से कुछ अधिक ही निर्ममता से रजनी दी को असहाय क्रिकेट गेंद सा इधर उधर फेंक उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। उनकी बड़ी बहन खिल्लो दी तो उनसे 1.25 साल बड़ी थी, पर एक न एक बाल सफेद न कोई एक झुर्री। चिकने चेहरे पर चमड़ी ऐसी तनी थी कि लगता था अभी अभी कपोलों की हड्डियां बाहर निकल आएंगी। 3-3 बहुओं का वरण कर चुकी थी, पर अभी भी चूनर ओढ़ कर डोली में बैठ जाए तो चौथ की दुल्हन लगे। काठी अखरोट पड़ाक पड़ाक दांतों में ऐसे पड़कती थी जैसे मूंगफली हो। वहीं पर हमारी रजनी दी पिछली बार आई तो भुट्टा खाने को तरस गईं, दांत ऐसे हो गए थे कि तेज हवा का झोंका भी इन्हें इधर उधर हिलाने लगा। जब पिछली बार वे लखनऊ आई तो मैंने ही जिद कर अपने दंत विशेषज्ञ से उन्हें नया डेंचर बनवा दिया था। उसे लगाते ही रजनी दी का चेहरा एकदम बदल गया था। जिस स्निग्ध हंसी की शीतल छाया में मैं कभी अपने कार्यरत जीवन से ऊब कर पल भर सुस्ताया करती थी, वह न जाने कहां विलीन हो गई। यही नहीं, उनका उच्चारण, चेहरे की गढ़न और कंठ स्वर भी न जाने कैसा तो नकली नकली सा लगने लगा था। मुझे तो आज भी यही लगता है कि उस दिन यदि मैंने उन्हें वह नकली बत्तीसी न दिलवाई होती तो शायद आज उनका इतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता। बार बार वे दर्पण के सम्मुख जाकर अपने प्रतिबिंब को ऐसे निहारती रही थीं जैसे स्वयं ही अपने को न पहचान पा रही हूं। शाम को मेरे साथ बाजार गई तो शोकेस में लटकी एक गहरे बैगनी रंग की कटकी साड़ी पर रीझ गई। दूसरे दिन पहनकर मुझे दिखाने आई तो मैं प्रशंसा करना भी भूल गई। सदा श्वेत परिधान धारण करने वाली रजनी दी की वह भड़कीली साड़ी मुझे असमय वसंतागमन सी ही बेतुकी लगी। फिर भुवाली जाते समय उनकी चिट्ठी आई कि मैंने उन्हें 2 तोले के वैसे ही जड़ाऊ कामदार झुमके बनवाकर शीघ्र भेज दूं, जैसे मैंने अपनी लड़की को विवाह में दिए थे, अपनी किसी छात्रा के विवाह में उन्हें देने थे। झुमके बनवाकर मैं भेज भी नहीं पाई थी कि भारी पोचम पल्ली साड़ियों का ऑर्डर आ गया, एक नारंगी एक मैजेंटा। फिर तो उन्होंने दुल्हे को छोड़ सब कुछ मुझसे मंगवा लिया था, स्नेक स्किन का पर्स, मैचिंग चप्पल, फाइबर के 1 से 2 जुड़वा सूटकेस, मर्दाना नाइट सूट, रेडीमेड कमीजे, लेस लगी नाइटी और हर ऑर्डर के साथ एक खिसियाई पंक्ति की कैफियत अवश्य रहती। मेरी फला छात्रा का विवाह है, फला कली की पुत्री विदेश जा रही है, आदि आदि। तब मैं क्या जानती थी कि रजनी दी की सौभाग्यशाली छात्रा स्वयं रजनी दी ही है। फिर जब एक दिन उन्होंने बड़े ही दुस्साहस से एक साथ आधे दर्जन चिकन के मर्दाने कुर्तों का ऑर्डर दे डाला तब मेरा माथा ठनका।
उनकी कौन सी छात्रा भला 48 इंच चिकन के मर्दाने कुर्ते पहनकर विदेश जा सकती थी। और फिर तभी उनके पत्र ने प्रखर रौद्र सूर्य की सी तप्त किरणों से उस रहस्य कुहेलिका को स्वयं सोख लिया था। डॉक्टर प्रद्युम्न मेहता को तुम नहीं जानती, गत वर्ष अचानक ही अपने अस्वस्थ फेफड़ों की हवा बदलने के लिए भुवाली चले आए थे, मेरे ही बंगले के पास रहने लगे थे। परिचय तो हमारा एक ही वर्ष का है, किंतु हमें लगता है कि हमारा यह परिचय इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पुराना परिचय है। हमारी यही मैत्री 15 को सुखद साहचर्य में परिणित होगी। तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है, यह मेरा निमंत्रण नहीं आदेश है। तुम्हारी रजनी दी। मुझे लगा कि वर्षों पूर्व का अतीत मुझे फिर अपनी कक्षा में खींच ले गया है, जहां ब्लैक बोर्ड के सम्मुख प्रस्तर मूर्ति सी खड़ी रजनी दी अपने प्रश्न का उत्तर न पा कठिन मुख मुद्रा बनाकर गरज रही है, क्लास से बाहर चली जाओ मूर्ख लड़की, यह मेरा आदेश है। उनके आदेश को भला उनकी कौन सी छात्रा टाल सकती थी। जल्दी जल्दी भागकर मैंने उसकी लिस्ट की सामग्री जुटाई, छोटे सूटकेस में एक आध जोड़ी कपड़े धरे और पहाड़ की गाड़ी में बैठ गई। कांच गोदाम में गाड़ी रुकी तो मैंने छोटे से प्लेटफॉर्म पर दृष्टि कई बार इधर उधर दौड़ाई। निश्चय ही रजनी दी अपनी पुरानी ऑस्टिन में मुझे लेने आई होंगी, किंतु कहीं भी कोई नहीं दिखा तो मैं रोडवेज की बस में बैठ गई। बेचारी रजनी दी शायद अपने असमय के रोमांस में आकंठ डूबी पड़ी होंगी, इसी से मुझे लेने नहीं आई। प्रौढ़ावस्था का प्रेम भी तो किसी वेगवती नदी के टूटे बांध की भांति उसकी धारा को और भी घातक बना देता है। मैंने बस में बैठते ही पर्स खोलकर लिस्ट एक बार फिर देखी, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई थी। कुछ लाना मत भूलना, रजनी दी ने लिखा था, तुम तो जानती हो इस भुवाली में सिवाय बांस और कफन के मिलता ही क्या है। ठीक ही लिखा था उन्होंने, बचपन में सुना था कि तू भुवाली जा, पहाड़ की सबसे भयानक गाली है। तब भुवाली नैनीताल और उसके आसपास के ग्रामों का एकमात्र शमशान था, और फिर कुछ वर्ष पूर्व वहां का सेनिटोरियम ही क्या किसी महाशमशान से कुछ कम भयानक था। धीरे धीरे चढ़ाई पर हाफती मेरी बस भुवाली की गीली सड़कें पार कर रजनी दी के बंगले से कुछ दूर आकर खड़ी हो गई। एक छोकरे ने पहाड़ी दयाल को सूटकेस थमाकर मैं चलने लगी। बंगले में पहुंची तो कहीं भी कोई नहीं दिखा। सूटकेस बरामदे में रखवा पैसे देकर मैंने कुली को विदा किया और उस अस्वाभाविक स्तब्धता से सहम कर इधर उधर देखने लगी। रजनी दी कभी नौकर नहीं रखती, यह मैं जानती थी। वे स्वयं स्वभाव से इतनी सुघड़ थी कि कोई भी नौकर या नौकरानी उनके परमार्जित रुचि के चौखटे में ठीक नहीं बैठ सकता था। उनका बंगला हमेशा झकझक उजला चमकता रहता। चाय बनाकर लाती तो एकदम साहबी कायदे से ट्रे लगती, स्वच्छ प्याले, चमकती चम्मचे, वॉनेट बंधी गुड़िया सी टिकोजी और ट्रेटिंग का लेस लगा ट्रे क्लॉथ। बहुत वर्षों तक ग्रोवर साहब की विधवा मेम के साथ बंगला लेकर रजनी दी रही थी, इसी से उनके एक एक साहबी संस्कार भी उन्होंने बड़ी स्वाभाविकता से घुटक लिए थे। केक बनाती तो ऐसा हल्का जैसे कपास का फूल। उनकी रसोई की स्वच्छता में वैसी ही अस्वाभाविकता का पुट अवश्य रहता जैसे अधिकांश कुंवारी प्रौढ़ाओं की रसोई में रहता है। फिर भी पाक कला में वे किसी भी अनुभवी पटु गृहिणी को चारों खाने चित कर सकती थी। एक दो बार नौकर रखकर वे देख चुकी थी, उसी झाड़न से नाक पोछते हैं और उसी से थाली, मुझसे तो भाई जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती, वे कहती थी। बरामदा आज भी किसी राजभवन की बरसाती ही सा दप दप उजला पड़ा था। इसी काठ के बरामदे में अपनी पुरानी खंजर सी मशीन पर रजनी दी ने मेरे न जाने कितने फ्रॉक सिले हैं और कितनी स्कर्ट, और फिर इसी बरामदे में उन्होंने मुझे पहली बार साड़ी बांधना सिखाया, और इसी प्राचीन गमले की टाइगर लिली तोड़कर अपनी चोटी में लगाने पर उनकी दुबली हथेली का करारा चाटा भी खाया है।
पूरे 30 वर्षों बाद आज मैं उसी बरामदे में उनकी सुहाग पिटारी लिए खड़ी थी। भीतर एकदम घुस जाना क्या उचित होगा? हो सकता है उनका भावी सहचर भी भीतर ही बैठा हो। रजनी दी, भीतर आ जाऊं? मैंने डर डर कर पूछा। कौन? भीतर से उनका छीड़ कंठ स्वर दूर किसी मसान घाटी से गूंजता बड़ी मनहूसी से पूरे बरामदे में प्रतिध्वनित हो उठा। मैंने एक कदम उठाकर देहरी पर धर दिया। मैं हूं, आ जाऊं? अरे हाँ हाँ आ जाओ, पर क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला? आराम कुर्सी में मुर्दे सी पसरी रजनी दी को देखकर मैं उनके प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाई। वे क्या देही थी? रंगे काले केश किंतु पिचके कपोल, नीचे लेट रहा आंचल और धसी आंखें। चतुरा रजनी दी शायद मेरे हृदय के भाव भाग गई थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कुर्सी खींची, बैठो। तो मुझे लगा यह बांह किसी जीवित मानवी की नहीं, निष्प्राण शव की लटकी बांह है। तब तक मैंने अपने को संभाल लिया था। मैंने हंसकर कुर्सी उनके और निकट खिसका ली। दी, मैं आपका सब सामान ले आई हूं, पर यह तो बताइए, हमारे जीजा साहब हैं कौन? मैंने बड़े ही स्वाभाविक स्वर में सामान्य रसिकता लाने की चेष्टा की। कोई नहीं, मेरे सम्मुख बैठी 50 वर्ष की रजनी दी जैसे मुख में तुलसी दल लिए मृत्यु शैया पर दम तोड़ रही 80 वर्ष की जरा जीर्ण वृद्धा दादी बन गई थी। कुछ ही पलों में असंख्य झुर्रियों ने उनके करुण चेहरे को और भी दयनीय बना दिया था। कोई नहीं, मैं बौखला गई और चाहने पर भी अपने स्वर की तिक्तता को छिपा नहीं पाई। मैं अपनी गृहस्थी की 20 उलझने छोड़ गिरती पड़ती भागी आई और आप इतना बड़ा मजाक कर गई? मैंने न तब मजाक किया था बहन, न अब कर रही हूं। हंसने की चेष्टा में उनके होठ कांप कर रह गए। विवाह तय था पर अब नहीं है। मतलब? मेरा क्रोध अब सचमुच ही मेरे व्यवहार को अभद्र बना रहा था। दी फिर हंसी और इस बार उनके पोपले मुख की दंतहीन शिशु की सी हंसी एकदम निष्पाप थी। सच कह रही हूं, अनजाने में ठोकर खाकर गिर रही थी तुम सब की दीदी। विधाता ने बांह पकड़कर उबार लिया, प्रेम ने मुझे अंधी बना दिया था बच्ची। वह अब उत्तेजित होकर बैठी तो टूटी टहनियों से उनके झुके कंधे शिथिल होकर बुरी तरह झुक गए। प्रद्युम्न मुझसे बहुत छोटा था, फिर भी जब उसने एक दिन मुझसे कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, किंतु फिर धीरे धीरे उसकी मुग्ध दृष्टि, रस पगे 7-7 पृष्ठों के प्रेम पत्र और उसके अक्षत पौरुष की विजया का मद मेरी रग रग में व्याप गया। मेरा अनूठा प्रेमी मुझे एक बार फिर यौवन के उस विस्तृत प्रासाद में खींच ले गया जहां वर्षों तक रहने पर भी मैं अंधी बनी उसके एक से एक मनोहर कक्ष गवाक्ष आज तक नहीं देख पाई थी। कितनी सुंदर है तुम्हारी दंत पंक्ति, वह अक्सर कहा करता। तुम्हारा चेहरा न देखकर भी यदि तुम्हारे दांत ही देखता तब भी मैं तुम्हारे चरणों का दास बन जाता रजनी। और मैं उस पथिक को अपने सौंदर्य की खोखली मरीचिका में भटकने छोड़ देती, फिर वह मेरी काली केश राशि की प्रशंसा के पुल बांधकर रख देता। एकदम बंगाल की सुंदरियों की केश राशि है और मैं अपने बालों की सुगंधपूर्ण कालिमा का रहस्य अपने तक ही सीमित रख मुस्कुराती रहती। उफ, हम स्त्रियां कभी कभी स्थान काल की महिमा भुलाकर अपने ही हाथों से अपना कितना सर्वनाश कर लेती हैं। मैं उसे ही नहीं स्वयं अपने को भी छलने लगी। तुम तो जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी,
अपनी छात्राओं को मैंने अपने इसी सत्य भाषण के अनुशासन चाबुक से साधा था। वही चाबुक अब मेरे नवीन प्रेम ने मुझसे छीन कर दूर पटक दिया था। और फिर एक दिन हमने निश्चय किया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। विवाह की तिथि निश्चय कर मैंने तुम्हें ही सबसे पहले लिखा था। लिखती भी तो और किसे, खिल्लू को लिखती तो शायद वह हवाई जहाज से यहां आकर हम दोनों को गोली से उड़ा देती। सहसा रजनी दी का स्वर चुप्पी में डूब गया, जैसे कठिन मधुमेह का कोई रोगी फिर कोमा में डूब गया हो। मैं अधैर्य से उन्हें अपने प्रश्न की सुइयां चुभोती फिर चैतन्य अवस्था में खींचने लगी। फिर क्या हुआ दी? उस दिन इतवार था। दीदी ने अपनी दोनों पतली बाहें गोद में धर ली थी। हमने भीमताल की झील में बोटिंग का प्रोग्राम बनाया। दिन भर तो वहां आजकल टूरिस्ट टूटे रहते हैं। संध्या 5 बजे तुम्हें लेने अपनी कार में आऊंगा, वह कह गया था। मैंने दिन भर लगकर केक बनाया, मफिन बनाए, उसे भी तुम्हारी तरह मेरे हाथ के बने मफिन बेहद पसंद थे। उन्होंने ऐसे स्वर में कहा जैसे कोई शोक संतप्त जननी अभी अभी गुजरे अपने इकलौते बेटे की पसंद का उल्लेख कर रही हो। पिछली बार तुझसे जो गुलाबी दुपट्टा मंगवाया था वह पहना, बड़ा सा जूड़ा बनाकर गुलाब लगाया। रजनी दी अपने अभिसार की श्रृंगार साधना की विशद व्याख्या करने लगी तो मैं ही लज्जा से गड़ गई, किंतु उनके सौम्य संतरी के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं उभरी। जैसे कोई धर्म परायणा संतनी विदेशनी मृत्यु से पूर्व किसी पादरी के सम्मुख निष्कपट आत्मनिवेदन कर रही हो। बिंदी लगाने लगी तो सहसा मेरी श्वास मेरी हथेली से टकरा कर मुझे किसी दंत मंजन के विज्ञापन की सी ही चेतावनी दे उठी। उफ, कितनी मूर्ख थी मैं। आज अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संध्या की आगमनी में भी मैं अपने प्रति कितनी उदासीन रह गई थी। एक बार भी डेंचर उतारकर साफ नहीं किया था मैंने। 5 बजने में अभी पूरा 1/4 घंटा था। चटपट डेंचर उतार कर साफ करने लगी और तभी प्रद्युम्न की कार का हॉर्न बजा। मेरा अधीर प्रेमी 1/4 घंटा पूर्व ही आ गया था। हड़बड़ाकर मैं अध धुला डेंचर ही पोछ कर लगाने लगी कि वह हाथ से फिसल कर चकनाचूर हो गया। वह चूर नहीं हुआ, मेरा सौभाग्य भी उसके साथ गिर कर चकनाचूर हो गया। इससे पूर्व कि मैं कुछ सोचती, मेरा मुस्कुराता सुदर्शन मंगेतर मेरे सम्मुख खड़ा था। तैयार होना, गुड, चलो जल्दी ही निकल पड़े, बदली घिर रही है, कहीं झड़ी न लग जाए। भुवाली की झड़ी क्या चेरापूंजी से कुछ कम वेगवती होती है? परिस्थिति की विषमता ने मेरी वाड़ी हर ली थी, किंतु विवशता के आंसू में चेष्टा करने पर भी नहीं रोक पाई। कांपते होठों के बीच शायद उसने मेरी निरीह जिह्वा के दंतहीन वैधव्य को देख लिया था। उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया, वह एक शब्द भी नहीं बोला। पर मैंने सोचा, बहुत छल चुकी हूं उसे, अब और नहीं छलूंगी। प्रद्युम्न, मैंने हंसकर कहा, जिस दंत पंक्ति को देखकर तुम मुग्ध हुए थे वह मरीचिका मात्र थी। मेरे बाल भी सफेद हैं प्रद्युम्न, इसी अप्रैल में मैं पूरे 50 वर्ष की हो जाऊंगी। मेरी उंगलियां गठिया से टेढ़ी हैं, मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है। मेरी परिचिताओं में अधिकांश दादी नानी बन चुकी हैं। और फिर मैं रोने के बदले जोर जोर से हंसने लगी। जितनी ही बार प्रद्युम्न के हतप्रभ चेहरे को देखती उतनी ही बार एक नई हिस्टेरिकल हंसी का दौरा मुझे दोहरा कर देता। चेष्टा करने पर भी मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। जीवन में कितनी ही बार मैंने अपनी षोडशी छात्राओं को इसी हिस्टेरिया से चाटे मार मार कर मुक्त किया है, किंतु उस दिन मैं स्वयं असहाय बनी हंसे जा रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे, पेट में बल पड़ गए और जब मैं उस पागलपन के दौरे से अधमरी होकर चैतन्य हुई तो देखा कि मैं कमरे में अकेली हूं। वह जा चुका था,
अपने विचित्र रोमांस की करुण कहानी सुना, दी एकदम निढाल होकर फिर आराम कुर्सी में पसर गई। उनकी आंखें बंद थीं और ललाट पर पसीना झलकने लगा था। आखिरी बस कितने बजे जाती है दी? मैंने डर डर कर पूछा। न जाने कैसा भुतहा बंगला लगने लगा था वह मुझे। उनकी नित्य की सवारी गृहस्थी में जैसे शत सहस्त्र मक्खियां भिन भिनाने लगी थी। बिना लगा बिस्तर, पूरे कमरे में फटे प्रेम पत्र और आराम कुर्सी पर मुर्दा सी पड़ी स्वयं गृह स्वामिनी, उलझी जटाएं, फंसी धसी आंखें और दंतहीन मुख। क्या पता फिर उन्हें अपनी उन्मत्त हंसी का दौरा पड़ जाए। दी, सोचती हूँ आज ही चली जाऊं। आखिरी बस क्या चली गई होगी? मैंने पूछा और उन्होंने अपनी गजेड़ी की लाल लाल आंखों से मुझे घूरा तो कलेजा हिम हो गया। निश्चय ही अब वे फिर हो करके हंसने लगेंगी। पर उन्होंने क्लांत स्वर में कहा, 5 बजे। 4:45 बजे चलने पर भी तुम बस पकड़ सकती हो। 2 कदम पर तो बस स्टैंड है। मुझे लगा जैसे वे कह रही हो इसी बस से चली जाओ तुम, मुझे अकेली छोड़ दो, एकदम अकेली रहना चाहती हूं मैं। फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना पर्स खोला, एक शीशी निकालकर 2 गोलियां खाई और गुड़ी मुड़ी बने बिस्तर में अलसाई बिल्ली सी घुटने मोड़कर लेट गई। नींद की गोली खाए बिना इधर मुझे नींद नहीं आती। जा रही हो क्या? उनका अटपटा प्रश्न उनकी अस्वाभाविक नींद में डूबने लगा था। मैं हाथ का सूटकेस लटकाए चली तो वे गहरी नींद में डूब चुकी थी। फिर मैं उस निद्रमग्न चिर स्वयंवरा की सुहाग पिटारी साथ लिए चुपचाप बाहर निकल आई। दोस्तों, आशा करती हूं कि आपको ये मार्मिक कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने मित्रों परिचितों में सब्सक्राइब भी करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।